देखिए, मैं दो बार सरपंच रहा हूं और पंचायत के अंदर मैक्सिमम मैंने देखा कि जो जीआरएस जो सरकार ने कोई 2013 में भर्ती हुआ है, कोई 2008 में हुआ है, कोई 2010 में हुआ है, मतलब मैक्सिमम जो है 8-10, किसी को 11 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, यानी कि कंटिन्यू ये काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन सरकार की एक बड़ी गलत पॉलिसी है, जो लोग काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट की, जो जीआरएस है या पंचायत सेक्रेटरी है, वो एक रीढ़ की हड्डी होती है। जब तक ये लोग काम नहीं करेंगे फील्ड में, तब तक महकमा जो है या पंचायतें जो हैं वो डेवलपमेंट नहीं कर सकती और ना चल सकती हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई अगर ये लोग काम कर रहे हैं पंचायत में, पूरा फील्ड में ये काम करते हैं, रात को शाम को अगर 10 बजे कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कोई मैसेज आता है, अभी मेल आती है, भी ठीक है भाई हमें सुबह ये रिपोर्ट चाहिए, तो वो भी इन्होंने रात को रिपोर्टें बनानी है, सुबह वो सबमिट करनी है, तो फिर गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है इनको पक्का करने के लिए? सरकार को चाहिए भाई इनको जो इनका राइट बनता है वो इनको राइट मिलना चाहिए अपना। इनकी गलत पॉलिसी है, ये महकमा बला की बात नहीं है, एक जीआरएस की बात नहीं है। मैक्सिमम सरकार ने बड़ी गलत पॉलिसियों से लोगों को मतलब महकमे में भर्ती किया है, तो 5,000 रुपया या 6,000 रुपया जो पे देते हैं उससे तो घर का जो परिवार है वो नहीं चल सकता है। हम बच्चे हैं इनके, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्होंने भी रोटी खानी है, बच्चों को भी पढ़ाना है, तो किस तरीके से ये चल पाएंगे? तो सरकार को चाहिए कि भाई इनको जो इनका राइट बनता है ये इनको पक्के करो, इनको रेगुलराइज करो, ताकि ये फील्ड में जो है अच्छा काम कर सके। इस वक्त भी ये काम कर रहे हैं, अगर ये फील्ड में काम नहीं करेंगे तो पंचायतें कैसे चलेंगी? आप जितना मर्जी पैसा गवर्नमेंट जो है 50 लाख रुपए दे दे, 1 करोड़ रुपया पंचायत में दे दे, लेकिन जब तक ये लोग फील्ड में काम नहीं करेंगे तब तक वो पंचायत में डेवलपमेंट नहीं होगी। सरपंच को इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं खुद 2 बार सरपंच रहा हूं, तो इनके बगैर जो है वो सरपंच भी नहीं चल सकता है। सरपंच को इतनी जानकारी नहीं है, चलाने वाले यही लोग हैं, यही लोग फील्ड में काम करने वाले हैं, यही लोग बिल बनाने वाले हैं, यही लोग सीटें तैयार करने वाले हैं, यही लोग कंप्यूटर पे बैठे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इनको इनका हक मिलना चाहिए, इनको रेगुलराइज करना चाहिए, और ताकि आगे जो है पंचायतों में जो है अच्छी डेवलपमेंट हो, महकमा जो है वो अच्छे तरीके से चल सके। वरना अगर गवर्नमेंट अगर इस पॉलिसी से चलती रहेगी जो इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अब ये मेरे ख्याल में एक महीने से ये स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो गवर्नमेंट सोचेगी कि भाई ठीक है हम इनको निकालेंगे, किसी दूसरे को भर्ती कर दे, तो वैसे जो है फील्ड में ना काम होने वाला है और ना महकमा जो है ऐसा चल सकता है। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से कि इनको पक्का किया जाए, इनको पूरा हक मिलना चाहिए, और ताकि पंचायतों के अंदर जितना भी सरकार पैसा दे रही है वो पैसा जो है वो यूटिलाइज हो और पंचायत के अंदर डेवलपमेंट हो। जब तक इनको गवर्नमेंट पक्का नहीं करेगी, इनको रेगुलराइज नहीं करेगी, तब तक जो है पंचायतों के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगी, चाहे मोदी साहब जितने मर्जी पैसे दे दें पंचायत में, मैं समझता हूं कि बेकार है। तो मेरी यही मतलब गुजारिश है। और इसके अलावा मतलब ये तो इनकी जीआरएस की बात है, लेकिन इसके अलावा बाकी भी महकमों में जो है लोग परेशान हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं पहली बार सरपंच बना तो यहाँ पे 500 रुपए पे एक आदमी को भर्ती करेंगे, उसने अपना घर भी चलाना है, डिप्टी भी देनी है, वो कैसे चलेगा? तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की बड़ी गलत पॉलिसी है। मेरी गवर्नमेंट को ये सुजेशन है कि आप इनको रेगुलराइज करो, इसके बाद आगे जो अगर गवर्नमेंट ने अगर फोर्थ क्लास में या कोई भी महकमे में कोई अगर मुलाजम लगाना है तो उसको हमेशा पक्का लगाना चाहिए। ये डेली वेजर का सिस्टम जो है ये खत्म होना चाहिए। ये अफसरों ने एक अपना एक सिस्टम तैयार किया है कि कोई वीडियो के घर में बर्तन साफ करेगा डेरे में तो उसको वीडियो साफ लगा देंगे, कोई पीएचई का एक्सी है ना उसके घर में बर्तन साफ करेगा तो उसको वो लगा देगा डेली वेजर, कोई पिलोटी का एक्सीजन है कोई उसके घर में बर्तन साफ करेगा तो उसको वो लगा देगा डेली वेजर, कोई डीएफओ के दफ्तर में उधर उसकी रोटी खाना पकाएगा तो वो उसको डेली वेजर भर्ती कर देगा। क्यों ऐसा क्यों है? मैं समझता हूं कि ये जो अफसरशाही जो राज है ये भी खत्म होना चाहिए। अफसरों की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये तो बेचारे छोटे मुलाजिम है, ये काम कर रहे हैं फील्ड में, अफसर तो कुर्सियों में बैठे हैं। वो तो आज
एक एक लाख रुपया जो है अफसर तनख्वाह ले रहा है, कोई भी मुलाजिम जो है 50,000 से 60,000 से नीचे नहीं है। क्यों ये लोग काम करते हैं? इनकी अफसरों की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्होंने अगर गलत लोगों के बच्चों को उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, घर में खाना पकाने के लिए रखा और फिर उनको डेली वेजर 30-30 साल हो गए, कईयों को डेली वेजर भर्ती किया है, 15-15 कई बूढ़े भी हो गए, कई मर भी गए बेचारे, वो रेगुलर नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को हम ये चेतावनी देते हैं, गवर्नमेंट को समझना चाहिए और ये जो बड़े बड़े अफसर हैं जो कुर्सियों पे बैठे हैं जो गलत करते हैं, इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इनके पास कहाँ से प्रॉपर्टी आई, कहाँ से इनके पास पैसा आया, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मेरी सबसे पहले ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो ये बच्चे स्ट्राइक में बैठे हैं, पूरा पंचायतों का काम ठप है, पूरे ब्लॉक का काम जो है वो ठप है, इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जल्दी से जल्दी रेगुलराइज करें और उनको पक्का करें। जय हिंद।